सो हेलो गाइस, मैं हूं बिलाल, मैं हूं ज़ाहिद और आप देख रहे हो आलतू फालतू। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और एक न्यू एक्साइटिंग व्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं शादी पे थोड़ी चर्चा, क्योंकि पप्पी की जैसे कि मुंह मीठा हो चुका है, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आरती दीदी और अरसलान भाई आ चुके हैं, तो आरती दीदी और अरसलान भाई को कुछ क्वेश्चंस मैंने मतलब सोच के रखा हो कि मैं उनको पूछूंगा, और उनको धूल्हे जो होने वाला धूल्हा है पप्पी का, उनका फेस रिवील भी करवाऊंगा। तो पहले आरती दीदी, अरसलान भाई, अमन भाई, जिशान भाई, अबरेश भाई और जाहिद, मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी बताऊंगा आगे आके कि तुम लोग ये पहले ये बताओ कि शादी के दिन के लिए तुम लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्या है? मैं बताऊं बस शादी को लेके, बस शादी को लेके। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलेगा। ओहो, मतलब आरती दीदी, लेकिन आपको पार्लर भी तो जाना रहेगा उस दिन, बहुत सारे ब्लॉग ये पहनती है, बाकी सब मांगे हुए पहनती है। नहीं नहीं सुन तो भाई, आरती दीदी पार्लर जाएंगे, पार्लर जाने से पहले वो डॉक्टर के पास जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी करवाने। आरती प्लास्टिक मेरी दुकान से खरीदना, डांस करेंगे तुम्हारा प्लास्टिक का दुकान है, खोल लेंगे। और दूसरी चीज, मैं एक्साइटेड हूं डांस करने, शादी में हल्दी में करेंगे। हाँ, तो बहुत है गाइस, सब रिलेटिव, सब रिश्तेदार एक साथ मिलेंगे, और आतंक होगा, आतंक का दूसरा नाम भी शादी है गाइस, आतंक का दूसरा नाम रिश्तेदार है। थोड़ा बहुत किसी ना किसी को बुरा लग जाता है ना, तो हम लोग अच्छा नहीं लगता है कि किसी को बुरा ना लगे, तो ध्यान देना पड़ता है। एक हिंदू मिठाई का डब्बा साथ में लेकर रखना, जहाँ जिसको बुरा लगा मिठाई देके, मिठाई से सब खुश नहीं होते ना, सब पे ध्यान देना पड़ता है। तो गाइस, एक ऐसा चीज रहता है शादी के टाइम पे कि एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, तो सही बात है ना, टेंशन शादी रहती है, तो घर में शादी रहती है। अमन भी बाकी है, अमन भाई से तो पूछो। अरे अमन भाई की भी तो शादी का वो, अरे 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 डेट का वेट कर रहा हूँ। खुशी क्या हुई है, सफर ही नहीं हो रहा है, सफर ही नहीं हो रहे हैं। एक साल बाद अपनी बीवी के साथ रहेगा, उससे ज्यादा खुशी हम लोग जानते हैं, जिशान हम लोग देखते हैं अमन के साथ रहते, तो हम लोग को पता है कि अमन का सबर गाइस, इतना सबर कोई नहीं कर सकता जितना अमन के अंदर सबर है गाइस, माशाल्लाह। तो गाइस एक्साइटमेंट ये रहेगी कि बस शादी हो रही है, किसी की तो हो रही है कम से कम, किसकी हो रही है, और ऊपर से इतने टाइम से शादी में नहीं गए, शादी तो होगी घर में, और कपड़े पहनने मिलेंगे, हाँ कपड़े भी पहनने मिलेंगे। तो अभी ये बताओ कि शादी करीब है कितनी? कुछ महीने कितने करीब है? कुछ महीने, इतने करीब है कि हम लोग सांस लेने का भी वक्त पॉइंट है। क्या फिर अभी क्या ले रहे तू फिर? मतलब एक मुहावरा, शादी का खाना खाना है। हाँ चल, अब भी कल ही शादी कर लेते, तुम्हारे साथ। अरे अरसलान भाई, रेडी रख के दुल्हन को, पांचवी शादी तुम्हारी। आरती तो पांचवी शादी नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, पांचवी तो पट जाए तो। हाँ, और एक ही मंडप हुए, शादी
गाइस आप लोग समझ गए रहोगे, इन लोग नहीं समझे, इन लोग को ध्यान में आप लोग देख रहे हो तो आपको समझ गए रहोगे क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल दिए गाइस आप लोग समझ। और अर्शु शर्मा रहे बोले आप लोग बोले आपने बोले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो सुनो अभी पहले हाथ बोला गाएंगे गाइस। अच्छा हाथ बोला गाएंगे, ये मेरे को हिंसा अबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछो क्या। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम लोग को बताओ कि शादी में सबसे बढ़िया रस्म क्या लगती है। एकदम बोलो वो भी बोलो। मैं बोलूंगा। अरे बोलना स्टार्ट करो। तो शादी में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और मतलब कर लो गले की खराश साफ करिए, गले की खराश बुलाने का। शादी की जो सबसे ज्यादा मतलब स्पेशल रसम और बहुत ज्यादा जरूरी है शादी में और ज्यादा मेरे दिल को मतलब वो होता है अजीब लगता है, तो वो है विदाई की रसम, जिसमें बहुत ज्यादा लोग रोते हैं अपने घर, जब एक लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे जाती है फिर वो लड़की को पूरा घर संभालना पड़ता है, पूरा घर एक पूरा एक अलग उसके लिए वो एक नया जन्म होता है उसके लिए, कि हर एक जगह मतलब हर चीज उसके लिए न्यू हो जाती है, उन लोगों के साथ रहना पड़ता है, उन लोगों को समझना पड़ता है हर चीज के लिए, फिर उसको टाइम लगता है, फिर मतलब बहुत सारी चीज, पूरा एक नया घर उसको संभालना पड़ता है, तो वो एक मेरे लिए ऐसा है कि वो शादी के लिए बहुत इमोशनल। हाँ भाई अभी फिर से इमोशनल हो जाएगा गाइस, इसलिए भाई सही में उसकी आंख लाल हो गई अभी। गाइस मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा मजा हल्दी की रसम में आती गाइस। हाँ वो तो है, वो तो है। फार रसम उसकी हल्दी का नहीं रसम देना चाहिए, उसका नाम देना चाहिए वो कपड़े फार रसम। हल्दी से दांत भी घसाते धोले। तू बता कैसा खेलते हो जिसके साथ खेलते हो उसको दांत घसाते। इतना गंदा खेलते ना गाइस के पिछली बार जब खेल लेते ना, हाँ पानी गंदा गंदा लेता ना उसको निचोड़ के, हाँ दांत मंगवाए थे उससे, और मेरी शर्ट भी फाड़ के पोछा भी लगा के वापस मेरे मुंह पे भी मारे थे गाइस। हम लोग ना लोगों को ना बहुत सारी चीज अपनी शादियों में मतलब घर में घर की शादियों में दिखाएंगे, हर एक चीज दिखाएंगे, हर एक चीज की अलग अलग रकम, हर एक चीज दिखाने वाले। तो अब अमन भाई का भी हो गया, अमन का बाकी है, अमन क्या बोला? मुझे सबसे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, जब दुल्हन की वो मेहंदी लगाते वो तो लड़के लोग का काम नहीं है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, लड़के लोग रह सकते हैं साथ में, मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना पर्सनली, बोर लगता है देखते हुए, मुझे वो लड़के नहीं पसंद जिनको मेहंदी नहीं पसंद, मेहंदी पसंद है मुझे लगाते वाले टाइम, वो टाइम और तेरी पसंद तो हम लोग को नहीं पसंद। सो वो है सब, वो पसंद है और हल्दी भी पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारा डांस होता है, मस्ती मजाक होती है वो सब। गाइस मुझे इतनी गारंटी पता है मेरी शादी में दिल लोग सब रोएंगे, याद रखना। बॉय सीधे भी एक है गाइस, एक मिनट, एक दूसरे घर का बोझ अपने घर पे, ये सिर्फ आरती दीदी के लिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोला था, कोई कमेंट मत करना। और आरती जैसी लड़की तो जाएगी तो सबका घर बर्बाद। अरे भाई तो पूरी पोल खोल रहे हैं लग गई ईशान भाई का मुलाल हो गया। चलो अर्सलान भाई, मैं सब चीज पसंद है भाई, मेहंदी हल्दी वलीमा सब सबसे पहला लड़की फिर उसके बाद ये लड़का भी पसंद करना। अरे मैं एक पल दे रहा हूँ, अभी जाए तू बता फटाफट।
जब सब रिश्तेदार लाके वो लिफाफा देते ना लिफाफा और फिर जब घर पे जाके उसको गिनो ना अलग ही मजा रहता है। ये देखो गाइस बहुत हार्ड और दूसरी हाँ दूसरी और वो जो इतने चीजों ए रुक 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 वो जो इतनी चीजों में खर्चा होता है वो नहीं निकलता है हाँ, थोड़ा तो निकलता है ना तो अभी अक्षय की हाफ है ना हाफ हाँ। तो गाइस सबसे अच्छी चीज है ना शादी में निकाह ही होती है क्योंकि निकाह दो सोल को ज्वाइन कर देती है ब्यूटीफुल थिंग हाँ और दो सोल को ज्वाइन कर देती हाँ। और क्या? गाइस जब निकाह होता है तो अपने आप चेहरे पे नूर आता है हाँ वो तो है शादी का नूर बोलते हैं भाई मैं देख चुका हूं बहुत सारी पब्लिक इधर देखो आग बंद करो जरा चुबरी नहीं तुमको अरे बाजू में ही अच्छा मतलब जिशान मैं बताना चाह रहा है कि तेरा निकाह हो चुका है अच्छा क्या जिशान भाई का निकाह हो चुका है कैसा तो गाइस अभी है ना आरती दीदी और अरसलान भाई को हम लोग चेहरा दिखाई देते दूल्हे का क्या बोलते हो मैं हाँ दिखा दिखा दे बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है तो गाइस आपको भी फेस रिवील किया जाएगा लेकिन थोड़े टाइम बाद वो हम लोग बताएंगे थोड़े टाइम बाद कब हम लोग फेस रिवील करेंगे तो गाइस अभी चलो व्लॉग को इसी के साथ हम लोग एंड कर देते हैं अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना वेट नहीं हो रहा शादी के लिए हिट द बेल आइकन बैठो।